गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत सभी का एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, हैप्पी संक्रांति आप सभी को। आज है 14th of January और संक्रांति आज पतंग वतंग उड़ाने का दिन है। पर वैसे मुझे तो आता नहीं उड़ाना, और यहाँ पे कम ही उड़ा रहे कलकत्ता साइड में। वहाँ पे गुजरात में था मैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हम लोग सब मिलकर उड़ाते थे। तो वही से बस आपको बोलना था। और गाइस, अभी सुबह के 7 बजे, अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के। बहुत 2-3 दिन हो गए मैं रनिंग करने गया नहीं। जिम्स वगैरह वैसे ही बंद है, तो अभी चलिए मैं अभी निकलता हूँ विक्टोरिया ग्राउंड। बाइक कार जा रहा हूँ, भाई बाइक नहीं जा रहा क्योंकि हेलमेट वगैरह कहाँ उधर रखूँगा। तो भाई कार निकलते और मिलते आपको ऑन द वे, बाय। तो गाइज, संक्रांति में देने के लिए मम्मी ने अलग अलग जग्स और ये छोटे छोटे बकेट लाए, तो कलरफुल है देखिए, इसलिए सोचा आपको भी दिखाओ। तो चलिए अभी निकलते, बाय। कि यहाँ पे जहाँ जहाँ कोविड ज़्यादा वहाँ जिम्स वगैरह ये सब बंद की है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए अभी ये जो रेस्टोरेंट्स है, बार्स वगैरह है, थिएटर्स वगैरह है, उनको 50 कैपेसिटी के साथ अलाउड है, और जिम्स वगैरह बंद किया है। ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिम्स में तो वही लोग आते हैं जिनका अंदर मेंबरशिप है, और बाकी ये जो मैंने जगह बोली, बार्स वगैरह हुआ, रेस्टोरेंट, थिएटर, ये तो पब्लिक के लिए, तो कोई भी आ सकता है। तो ज़्यादा रिस्क मेरे ख्याल से यहाँ पे है। और पता नहीं जिम्स वगैरह क्यों बंद किए। हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट कोई टाइम कर देना चाहिए कि भाई सुबह 6 से 9 या 3 घंटे का कुछ टाइम, या तो शाम को वापस 2-3 घंटे का टाइम, तो लोग मैनेज कर सके अपने हेल्थ को भी। वरना फिर ऑप्शन तो फिर यही है लास्ट में कि बाहर निकलो, और बाहर निकल के रनिंग करना पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा हेल्थ के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों की हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ हो गया था। सबके पेट वेट बाहर आ गए थे, बोले लॉकडाउन में बैठे बैठे हो, लॉकडाउन में सबका लॉकडाउन में ही हो गया था। तो चलिए अभी मैं विक्टोरिया जा रहा हूँ और वहाँ जाके मिलता आपसे, बाय। A few moments later. कार सामने, और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ अमरुद, और सामने है कलकत्ता की टॉलेस्ट, कलकत्ता में टॉलेस्ट है बस 62 67 फ्लोर है। और यहाँ पे आके मेन गेट है थोड़ा, और यहाँ पे टाटा की बिल्डिंग है ये वाली। तो वैसे भी खतरनाक वाला पोपट हो गया है। मैंने GoPro ऑन किया और सोचा कि मतलब वीडियो का बटन चालू कर दिया, और बोलने लगा बक बक, 1 मिनट से बोल ही रहा था। फिर देखा कि वीडियो चालू नहीं किया है, तो वही बोल रहा था गाइस कि अभी फ्रूट खा रहा हूँ रनिंग करके। बहुत कड़क वाली मतलब आज अच्छी रनिंग हुई है, 20-25 मिनट रनिंग की है, अप्रोक्स समझिए 3-4 किलोमीटर होगा। और 2-3 दिन से मैं वर्कआउट टेरेस में कर रहा था, पर वहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि मैं लॉन्ग रनिंग कर सकूँ। बिल्डिंग्स में आपको पता है अपार्टमेंट्स में कितनी स्पेस होती है टेरेस पे। तो आज सोचा विक्टोरिया आ जाए, तो अभी खा के फटाफट निकल। अभी जस्ट 5 मिनट पहले आया, और थोड़ी देर बैठा, 5 मिनट आके पानी वगैरह पिया, और गाइस GoPro और आईफोन में जो भी फाइल्स वगैरह है वो वन प्लस पर ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग अपने वन प्लस से होती है। तो अभी एडिट करने में लगे आधा पौना घंटा, तो उसमें आराम से बैठ लेटे लेटे करता हूँ, और मिलते आपको बाद में, बाय। हेलो गाइस, तो मैं बात करके हो गया रेडी, और अभी सुबह के बज रहे 11, और जैसे कि मैं आपको बोला फाइल वगैरह ट्रांसफर वगैरह करना है, पर एक्चुअली वाईफाई नहीं था तो कुछ हुआ ही नहीं। तो थोड़ी देर मैक्स को वॉक करवाने गया ऊपर टेरेस पर, रनिंग करवाई बॉल से, कल मैं प्लास्टिक की बॉलें लेके आया था। मैं उसको वॉक करवा आया, थोड़ी देर बैठा, और टीवी भी नहीं चला था, वाईफाई का सेम प्रॉब्लम। तो अभी बात करके रेडी, और अभी देखते हैं। मम्मी बोल रही कि बाहर सैंडविच लेके आई मेरे से नीचे, जो कि मेरा फेवरेट है, और नीतू ने कुछ बनाया, देखते क्या बनाया, उपमा पोहा बना होगा। तो चलिए अभी, और ऑफिस को लेट हो रहा जल्दी, तो जल्दी जाना है। तो वैसे ये रहा जो सैंडविच जो मैंने बोला, और बहुत ही बढ़िया एकदम। तो ये मेरा उपमा रेडी हो गया है, और अभी फटाफट खाते हैं, इसमें डाल। और मम्मी का फेवरेट नाश्ता पूड़ी और आलू का सब्जी एकदम। मम्मी हर एक दिन छोड़ के एक दिन
खा लेती है। 2000 years later. जाते टाइम मैंने आपको बोला था इसी फ्रेम से कि भाई मुझे काम है, मैं अर्जेंट निकल रहा हूँ, तो कहीं काम निपटाया 3-4 घंटे, अभी 4:45 बज रहे। और नीतू हैदराबाद से आने के बाद हम लोग कैफे वगैरह नहीं गए, तो सोचा कि कैफे जाके आते, और शाम को मतलब भी फ्री टाइम ही था, तो मैंने, सोनू ने और नीतू ने प्लान किया कि स्क्रैप यार्ड कैफे जो बहुत अच्छा मतलब है यहाँ पे पार्क स्ट्रीट साइड में, तो उधर कैफे जाएंगे और कुछ खा के आते, टाइम स्पेंड करके आते हम लोग तीनों। तो मिलते आपको ऑन दी वे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्क्रैप यार्ड कैफे जा रहे हैं, जो कि सोनू का डिसाइड किया हुआ था। और उसके बाद अभी बारिश हो रही, देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छींटे हैं, तो अभी प्लान कर रहे हैं कि दूसरे कैफे जाए, क्योंकि स्क्रैप यार्ड रूफ टॉप बहुत अच्छा है, बाकी अगर बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे अच्छा वहाँ देखते हैं पार्क स्ट्रीट जाके डिसाइड करते हैं कौन से कैफे जाना है, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है, वहाँ जाके बहुत सारे ऑप्शन है। तो वैसे अभी हम लोग आगे पार्क स्ट्रीट एरिया में, और फाइनली डिसाइड किया कि तो पहले OTT करके नाम था इस कैफे का, ओवर द टॉप, और अभी इसको चेंज करके हैमर कर दिया है, तो बाहर जाके आपको एक्सटीरियर दिखा, मतलब बाहर म्यूजिक चल रहा है इसलिए वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि फिर कोई कॉपीराइट। तो चलिए बाहर। It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. तो इस कैफे से निकल के हम लोग गए थे वेस्ट साइड चेक करने, मैं गया था कि स्वेटशर्ट वगैरह कुछ नया हो तो डिफरेंट कलर्स में, एक मेरे पास ऑलरेडी ब्राउन है उसमें, और कलर्स में देखने गया था अगर मिल जाए तो, पर वहाँ पे थे ही नहीं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, और सिग्नल है अभी, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो गाइस बस कैफे से आए और उसके बाद वेस्ट साइड गए थे, मतलब मैंने आपको दिखाया कैफे से निकल के वेस्ट साइड पर, जो चाहिए था वो मिला ही नहीं, स्वेटशर्ट विंटर में उनके पास स्टॉक नहीं है पता नहीं क्यों, खैर कोई बात नहीं। और अभी बैठा हूँ चेंज वगैरह करके, अभी डिनर का तो कोई मूड नहीं है, और मम्मी मार देख रही है PKL प्रो कबड्डी लीग, और Season 8 चल रहा है, और मम्मी तो कबड्डी की बहुत बड़ी फैन है, एक भी मैच मिस नहीं करती है, बस 7:30 बजे TV के सामने मतलब TV और लाइव चालू करी हॉटस्टार पे, और TV पे चलता रहता कंटिन्यू, 2 मैच होते कभी 3 भी होते, तो अभी बाहर जाके दिखा दो मम्मी चुपके से, मम्मी देख ही रही होगी पूरा उम्मीद है, और क्योंकि मैंने चेंज करके डायरेक्ट फोन ही हाथ में लिया, तो बाहर जाके देखते क्या सीन है। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग आए थे बाहर से खा के फुल पेट, और अभी थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से डिनर बन गया है, तो अभी 2 रोटी खाई है, और प्याज पत्ती जो हरे प्याज की सब्जी थी वो बनाई है नीतू ने, तो अभी खाया है। और मैक्स को थोड़ा स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इचिंग वगैरह, तो उसके लिए स्प्रे मंगाया है, तो अभी उसको स्प्रे करते हैं। और गाइस मैक्स का ये कॉलर है, एलिजाबेथ कॉलर बोलते हैं उसको, नेक के ऐसे लगाना है ताकि वो फिर चाट ना सके, क्योंकि स्प्रे वगैरह होता है तो चाटने से शायद वॉमिट वगैरह करे, तो अभी चलिए मैक्स को पहनाते हैं, ये देख के वो भौंकने लगता है बहुत। मैक्स चलो तुम्हारा दवाई लगाए, मैक्स ये रहा मैक्स का स्प्रे फ्रॉम विराट कोहली फाउंडेशन, मैक्स जो तुम्हारा स्प्रे है, ठीक है चलो आ जाओ स्प्रे लगाते। तो गाइस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा शॉर्ट था सिंपल था, बाकी अभी जो भी पॉसिबल होता है दिखाने लायक मैं दिखाता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि मतलब जो जो अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग हो रिकॉर्ड करूँ, और बाकी एडिटिंग में कट्स वगैरह बहुत होते हैं जो एडिट करने पड़ते वीडियो, तो जो अच्छा अच्छा दिखाने लायक होता है वो मैं दिखाता हूँ। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे तो मास्क वगैरह पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, और बाय। तो गाइस जैसे ऑफिस जा